सिटीजन्स, थैंकफुल टू ऑल सिटीजन्स कि आपके सपोर्ट के वजह से द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर फोर्स्ड टू, वर फोर्स्ड टू अगेन री इंस्टेट दैट ब्रिज. सो दिस इज हाउ आई हैव बीन वर्किंग. आई हैव ऑल्सो चैलेंज द अजय मेहता's डायरेक्शंस दैट RTI activists are blackmailers and viewers asked by the court under which provision of law you can declare anyone. These are the some of the basic thing around. If at all I give you a list, it may be around 7 to 8 pages which I have been working upon. Now my main interest is, I'm 65 years old, and my main interest is I have got good knowledge by my experience on criminal law and how to deal with the public servants and how to deal with the hawkers. Especially, and that is a cancer to the into India as well as to Maharashtra as well as to Mumbai. That until and unless we are able to tackle, हम corruption के खिलाफ और hawkers के खिलाफ अगर मुहिम नहीं उठाते हैं तो हम कुछ भी करें हमारे हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं. इसीलिए आप सभी का इसमें बहुत सहयोग होना और मुझे मार्गदर्शन भी चाहिए आप लोगों का कि हम इसको किस तरह से मुंबई को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक हमारे हिंदू मेथोलॉजी में एक स्टोरी है कि हमारे शंकर भगवान बॉडी को एशिज लगाते हैं तो उनके पास एशिज कुछ टाइम पे जो आदमी एशिज लाते थे उनको एशिज नहीं मिले तो उन्होंने भगवान से शंकर भगवान से प्रार्थना की आप मुझे एक वर दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखू वो ऐश हो जाए तो मैं जब भी चाहूँ तो जहां जाके वो झाड़ पे हाथ लगाऊ वो ऐश हो जाएंगे और आपको मैं ऐश लाके दे दूंगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी. तो भगवान अपने शिव भगवान ने सोचा नहीं कुछ आगे तो शिव भगवान ने उसको वरदान दे दिया. जिस वक्त उन्होंने वरदान दिया तो हमारे जो वो जो राक्षस थे जो भस्म लेके आने वाले थे वो शंकर भगवान के पीछे भागे और उसके सर पे हाथ रखने के लिए गए ताकि वो मजबूत हुए. इसका रेफरेंस ये है कि हमारे पास वोट की जो ताकत है ये वोट हम जिस दिन ये लोगों को देते हैं वो ऐसा नहीं हो कि और वोट के जरिए वो हमारे सर पे हाथ रख के हमको भस्म करे. इसीलिए हमको वोट देने के टाइम पे काफी बार सोचना है और इसीलिए मैं अब कैंपेन कर रहा हूँ कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसको प्रोपगेट करें कि जो भी आपके पास वोट पूछने आएंगे उनको पूछिए मैंने 13 बेसिक रिक्वायरमेंट्स के फॉर्मेट्स बनाए ले और ये यहाँ इस पे है तो आप उनको पूछे कि आप हमको लिख के दीजिए तो हम आपको वोट देंगे. अगर आप लिख के नहीं देते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे. ये हमको बात करने की ताकत अब हर सिटीजन को होना चाहिए. अगर किसी सभी जो भी वोट मांगने आते हैं अगर लिख के नहीं देते तो हम नोटा को वोट करेंगे और इस क्लियर सिग्नल विल बी सेंड टू द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कि हम ऐसे ऐरू घेरू जो कैंडिडेट्स है उसको हम वोट नहीं करेंगे. और सबको सबको ये डर रहता है भाई काउंसिलर के पास मैं कैसे बात करूं आमदार के पास मैं कैसे बात करूं वो तो बड़े लोग हैं. सर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं बड़े लोग नहीं है वो हमारे सेवक है वो लोक सेवक है वो नगर सेवक है. अगर वो सेवक है और हम मालिक है तो हमको उनको क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना चाहिए. अगर आज तक 70 साल में हमने उनको जवाब नहीं किया उनको सवाल नहीं किया इसीलिए आज हमारे सर पे बैठे हैं हमको हम उनको मालिक समझते हैं जबकि हम मालिक हैं. तो आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको प्रोपगेट कीजिए कि जो भी आएंगे उसको सवाल कीजिए उनसे लिख के लीजिए और ताकि अगर उन्होंने वो कंप्लाइंस नहीं किया तो उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. हम ये नहीं कहते कि वो 100% उनकी फुलफिल कर सकते हैं मगर कुछ तो कीजिए. हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉमिसेस होते हैं और कुछ नहीं होता है. इसीलिए मैंने ये मुहिम चली है नहीं तो मैं आपके ऑफिस में आने वाला था मगर इस अभी आपके वेबिनार होने के बाद मैं वापस मुहिम पे जाऊंगा इसलिए आपको इधर बोला. जो भी इनकन्वीनियंस है मैं माफी मांगता हूँ. अभी सबसे बड़ा आप तो मैं अभी मेन आता हूँ एनक्रोचमेंट जो आज बम्बई के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है बम्बई को बर्बाने वाली दिक्कत है. हमारे बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न उन्होंने इतने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट दिए जहां फुटपाथ और रास्ता एक्सक्लूसिवली शैल बी यूज्ड फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड मोटरिस्ट. मगर हमारे पॉलिटिशियंस जो बाबा साहब अंबेडकर को पूजा करते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो उनकी पूजा करते हैं उनका अवमान करते हैं और इस अवमान को हमको रोकना है क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते में क्या नहीं चलते हैं और उनके बताए हुए रास्ते का उल्लंघन करते हैं.
उनका कहना है कि रस्ते और फुटपाथ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। 19(1)(g) जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है उसमें तो क्लियर कट है। तो फिर हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स रस्ते पे फुटपाथ पे इलीगल एनक्रोचमेंट करने कैसे देते हैं? क्या इस तरह से हम हमारे भारत रत्न अम्बेडकर साहब को हम ये करते हैं? वी आर प्रोपगेटिंग हिज आइडियाज? वी आर डेफिनेटली नॉट। सो इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फाइट फॉर द बेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच हैज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय अम्बेडकर साहब। तो रस्ते के जो एनक्रोचमेंट है उसके खिलाफ जरूर और जबरदस्त आवाज उठाना है। और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे कुछ अच्छे मुद्दे मिले हैं जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। नाउ सर, कमिंग टू द फैक्ट दैट देयर आर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स व्हिच सेज दैट एनीथिंग ऑन रोड इज इलीगल। अभी आप जब बीएमसी को कंप्लेन करते हो कि भाई ये हॉकर्स है और या ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको ये आता है अरे भाई इनको पास तो हॉकर के लाइसेंस है, तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं? ये बिल्कुल गलत मिसलीडिंग सबमिशंस हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पॉलिटिशियंस हमको कर रहे हैं। वो इस तरह से कि हॉकर्स का मतलब क्या है, और कोर्ट ने भी ये किया है कि हॉकर्स को अपने लिविंग के लिए हक है, मगर वो हक अगर पेडिस्ट्रियंस के हक को बाधा देती है तो उसको हक नहीं मिल सकता है। दैट मीन्स वॉट? Any person who is causing hindrance or obstruction or endangering the life of a common man who is using the footpath, the person cannot do business over there. This is one thing. फिर hawkers का permission में basic ये आप लिख लीजिए, because इसका बहुत अच्छा आपको confidence आएगा कि आप किस तरह से hawkers के खिलाफ लड़ सकते हैं। hawkers की permission होती है 1 meter by 1 meter, इसका मतलब 3 feet का जगह उनको मिलता है, मगर हमारे यहाँ तो हॉकर्स 10-10 feet 20-20 feet बना दे। हॉकर्स को टेबल रखने का परमिशन नहीं है, बाकड़ा रखने का परमिशन नहीं है, हैंडकार्ट रखने का परमिशन नहीं है, यहाँ तो सब यही होता है। हॉकर्स के ऊपर छपरा नहीं बांध सकते, वो शेड नहीं बांध सकते, ही हैज टू सिट इन द सन, ही हैज टू सिट इन द रेन, एट मोस्ट ही कैन टेक एन अम्ब्रेला, बट नो परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर कैन बी परमिटेड ऑन द रोड एंड फुटपाथ। टू दैट इफेक्ट एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के 14/12/99 का सर्कुलर भी है कि किसी भी तरह से आप रस्ते पे और फुटपाथ पे टेम्पररी और परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। इसके सब सर्कुलर और इसके सब डायरेक्शन और हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आपको दे दूंगा, और एक ग्रुप पिटीशन के वेबसाइट पे भी है, आपको वो भी मिल सकता है। तो हमको ये डट के सामना करना है। और फुटपाथ जो है, अगर आपके रस्ते पे बड़ा रास्ता है और 2 फुटपाथ है, तो हॉकर सिर्फ एक ही फुटपाथ पे हो सकते हैं, या आप अपवर्ड या डाउनवर्ड, मगर दोनों पे नहीं हो सकता है। वो फुटपाथ कम से कम 8 meter यानी लगभग 25 फीट का होना चाहिए, मगर छोटा फुटपाथ हो तो उसपे हॉकर्स नहीं हो सकते। और हॉकर्स का परमिशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो इसलिए दिया है कि उनको जीने के लिए कुछ सहारा मिले, मगर हमारे यहाँ कपड़े बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, लग्जरी गुड्स बेचते हैं, तो हॉकर्स को परमिशन क्या होता है? डेली नेसेसिटी गुड्स होता है, ग्रेन्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, हैंड पिन, हेयर पिन्स होता है, सेफ्टी पिन्स होता है, या ऐसे जो डोली कॉम्ब्स होते हैं, ऐसे जो सर्वसाधारण लोगों को रोज की जरूरत है उसके लिए होता है। और वो भी वो थैला लेके बैठेंगे 3 meter में, जिसको लाइसेंस मिलता है वो गले में उसका लाइसेंस लगा के बैठना चाहिए, और सिर्फ वही बैठ सकता है, उसके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून मस्त बनाया, अच्छा बनाया, इसलिए कि कोई भी उस जगह का भाड़े पे देना या बेचना, इसका कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। मगर आज प्रैक्टिकली हमारी म्युनिसिपैलिटी और हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उसको अपने बाप की जागीर समझते हैं। फुटपाथ और रास्ता जिसको आप देते हो अपने बाप की जागीर समझते हैं, और वो परंपरा उसके बच्चे को, उसको बच्चे को देने की ये सुविधा ये हो रही है। इसके लिए हमको डट के आवाज खोलना है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सबसे बड़े लॉ के बनाने वाले हैं गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स एंड इनेक्ट्स लॉ, एंड द ग्रेटेस्ट वायोलेटर ऑफ द लॉ इज द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सर्वेंट्स देमसेल्फ। और इसीलिए हमको
ऐसे पब्लिक सर्वेंट और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कानून बनाते हैं और खुद की खुद उसकी पालन नहीं करते, उनको प्रोसिक्यूट करने की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट सिर्फ पब्लिक को प्रोसिक्यूट करने की बातें करते हैं, मगर उस कानून का अगर वो पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ क्या है? तो उनके खिलाफ है सेक्शन 166, 167, 217, 218, वो स्पेशली डिजाइंड है टुवर्ड्स पब्लिक सर्वेंट ओनली एंड फॉर डिसोबीडियंस। व्हाट इज 166? 166 इज डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ विद एन इंटेंशन टू कॉज इंजुरी टू एनीवन और अ पब्लिक। सो जब फुटपाथ पे या रस्ते पे कोई पब्लिक सर्वेंट हिंड्रेंस को नहीं निकालता है, ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं निकालता है, तो उसके ऊपर 166 पूरी तरह से लग जाती है। 217 क्या है? व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट एक्ट कमीशन एक्ट और ओमिशन और कमीशन देयर बाय विद एन डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू सेव द एक्यूज्ड और ऑफेंडर्स फ्रॉम पनिशमेंट, तो भी उसको ऊपर ये कानून लग सकता है, क्योंकि वो हॉकर्स जो हमारे हक पे डाका डालते हैं, वो आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द रोड्स, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फुटपाथ्स, उसके ऊपर ये कानून लग सकता है। और फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसके आगे आपके रास्ते पे, आपके फुटपाथ पे अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो आपको वहां के लोकल डिप्यूटी सॉरी डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स है, असिस्टेंट कमिश्नर्स है, डीएमसी है, और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्रोसिक्यूट कीजिए। ऐसा कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है जिसके आशीर्वाद, मतलब एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर के आशीर्वाद के सिवाय और डीएमसी के आशीर्वाद के सिवाय ये गलत काम हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, हम डीओ को पकड़ते हैं, हम असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ते हैं, वो बेचारे बहुत छोटे हैं, इसमें सबसे गलत काम करने वाले हैं एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर और डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर, क्योंकि इनके पास पावर है। अगर ये सही तरह से काम करना चाहते थे या चाहते हैं, तो वो नीचे वाले को उसी टाइम दंडा मारते थे या उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करते थे या डिसिप्लिनरी एक्शन लेते थे, मगर वो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो ओरल डायरेक्शंस देते हैं कि आप उसको कुछ मत करो, मैं आपको बचाता हूं। तो मैं इस माध्यम से आप सभी को अपील करता हूं कि पहले टारगेट कीजिए एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर। वो अगर आपको 10 लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर को मारिए, तो अपने आप उसका इफेक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा और काम हो जाएगा। और मैं ये खुले आम कहता हूं कि अवर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी। इफ एट ऑल एनी एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर हैज ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स माय सबमिशंस, आई रिक्वेस्ट देम विद फोल्डेड हैंड्स, लेट अस हैव अ पब्लिक डिबेट एंड आई विल शो दैट इन ईच एंड एवरी लॉ व्हिच हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय यू, विद द सर्कुलर्स व्हिच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय यू, यू आर द ग्रेटेस्ट वायलेटर ऑफ दिस लॉज एंड देयरफॉर वी सिटीजंस हेंसफोर्थ विल प्रोसिक्यूट यू and you shall be responsible for all the bad things which are happening in Mumbai. So hamari attitude jo hai hamari public servant ke paas kaisi honi chahiye? Hamare public servant hamare bacche hain, hum unke ho, hamare dushman nahi hai ya humko kisi se dushmani nahi hai. To hamare mein se kuch log kya karte hain ki sabhi public servant ko chor uchakka samajhte hain, isse wo chor uchakka samajh ke un pe attack karte hain, un pe allegations karte hain और कुछ करते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि पब्लिक बात है कि पब्लिक सर्वेंट हमारे बच्चे हैं, ट्रीट एवरी पब्लिक सर्वेंट एज योर चाइल्ड, बिकॉज हम बच्चे को जब अच्छा काम करते हैं तो उनको शाबाश की देते हैं, बच्चा अगर गलत काम करता है तो हम उसको दम देते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा नहीं करने, ऐसा करने का। इसी तरह से हमारे पब्लिक सर्वेंट अगर सही तरह से काम नहीं करते हैं, तो हम उसको 166, 167, 217, 218 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत हम उनको मारेंगे, उनको शिस्त लगाएंगे, उनको हम डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे। और वही पब्लिक सर्वेंट अगर अपने ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है और उसको पॉलिटिशियन से, उसके ऊपर के ऑफिसर्स से दबाव आता है, तो हमारा फर्ज होता है कि ऐसे हॉनेस्ट ऑफिसर्स के साथ हम रहे, डट के रहे, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हम उस वरिष्ठ अधिकारी को मिलेंगे एंड वी विल क्वेश्चन देम। हम मालिक है और वो हमारे सेवक है, मगर आज हमारे बुजुर्गों के नॉलेज के इनसफिशिएंट नॉलेज के वजह से हमको ये हमारे सर में डाल चुके हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आर हमारे मालिक, हमारे पॉलिटिशियंस हमारे मालिक नहीं, हम मालिक है, वो हमारे सेवक है। और इसके आगे हम हर सिटीजन यही कहेंगे कि आप सेवक हो, आपको हम नौकरी दिए हैं,
आपको हमने काम के लिए पैसे दिए, आपको घर दिए, गाड़ी दिए, तो आप अपना काम कीजिए, या तो इस्तीफा दीजिए या हम आपको 166 में प्रोसिक्यूट करेंगे। ये हमारे हर सिटीजन को या उनका आपका हक है और आपकी ड्यूटी भी है। आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो सेवक अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे? मालिक का डर अगर सेवक को नहीं रहेगा तो सेवक ड्यूटी क्यों करेगा? तो जब हम वो सेवक के पास एक उंगली दिखाते, तीन उंगली मेरे पास है, तो पहले अपने आप को सुधारो। यू एंड आई, एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग डिलिक्वेंट एंड नॉट डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटी, फॉर बीइंग ए अलर्ट सिटीजन एंड टू क्वेश्चन द पब्लिक सर्वेंट व्हाई यू हैव फेल्ड टू डू योर ड्यूटी। एंड इन द इवेंट इफ एट ऑल ही फेल्स टू आंसर, in the event he deliberately fails to discharge his duty, prosecute him. We will give you all formats about the sanction to prosecute, about the permission to prosecute, about notice to prosecute, even magistrate ki complaint kaisi karni chahiye, uske bhi maine formats banaye hue hain. To aapko sirf apna khali filling the blanks karna hai, aur hamare mein jo advocate hai wo agar humko फ्री सर्विस देंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। वी नीड अ पैनल ऑफ एडवोकेट्स, एक 10-20 एडवोकेट हो तो हम बंबई में अगर 50 से 100 क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हमारे टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स पे, हमारे टॉप मोस्ट बीएमसी के ऑफिसर्स पे, एसआरए के ऑफिसर्स पे अगर हम करेंगे तो इसका इफेक्ट होगा कि ये डरेंगे और अपना काम करेंगे। अगर हम छोटे ऑफिसर को, यानी कि पीएसआई को किए, सीनियर पीआई को किए, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटे ऑफिसर और इंसान, और जो हम कॉमन सिटीजन से, ये इनके मायने में इंसान नहीं होते। हम ऐसे बकरे, बेहद ऐसे जो होता है ना, छोटे से एनिमल्स, कुत्ते बिल्ली, वैसे है। हम मरे या जिंदा रहे, वरिष्ठ लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए हमारा अटैक जो होना चाहिए वो वरिष्ठों पे होना चाहिए, क्योंकि जब उनकी कुर्सी हिलेगी तब वो नीचे काम करेंगे। उनकी कुर्सी जब तक साबित है, वो नीचे वालों को गलत ओरल ऑर्डर्स देंगे और उनसे काम, उनको डिस्चार्ज करने के टाइम पे ऑब्स्ट्रक्शंस डालेंगे। आपको मैं बहुत से इंस्टेंसेस दे सकता हूं जहां पुलिस, जहां डीसीपी, जहां एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। द एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर एंड म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। दे उनपे, उनके पास आप कंप्लेंट करो तो क्या करते हैं? वो पोस्टमैन के काम करते हैं। मेरे हर लेटर में लिखता हूं कि आप पोस्टमैन और कोरियर मैन नहीं हो। आपके पास जब कंप्लेंट जाती है तो आपका फर्ज होता है कि वो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, यू शुड कॉल फॉर द रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। नाउ एज पर रेगुलेशन 10 ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ द एक्ट 2005, विद इन 45 डेज एनी ग्रीवेंस शैल बी डिस्पोज ऑफ। क्या हमारी ग्रीवेंस डिस्पोज होती है? हमारे जो वहां वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, चाहे वो पुलिस में हो या बीएमसी में हो, वो सिर्फ पोस्टमैन का काम करते हैं। अगर उनको पोस्टमैन का काम करना है तो वो हमारे नौकरी से इस्तीफा देके पोस्टमैन का काम कीजिए। वहां आईएएस या आईपीएस बनके आप अगर पोस्टमैन का काम करेंगे तो हमारा भला ही कौन करे? आपको हम वहां अपॉइंट इसलिए किए कि यू शैल रेगुलेट लॉ, यू शुड इम्प्लीमेंट लॉ फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस थिंग। बट our experience as a citizen is that you are not implementing law and you are protecting your subordinate officers who are not implementing law, and therefore we shall hold responsible the bureaucrats who are at the top level because of your failure of to discharge your duty. Hum suffer ho rahe hain. Ab hamara sabse badi mang ye hai ki hamari Bombay Municipal Corporation jo hai wo 24 ghanta khulli honi chahiye. 24 घंटा इसलिए, अगर वाटर डिपार्टमेंट खुली होते हैं, पुलिस होता है, फायर ब्रिगेड होता है, तो हमारी बीएमसी भी 24 घंटा खुली होनी चाहिए। हमको खुली होनी चाहिए, इसका वजह यह है कि हमारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को, रात को चालू होता है। तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक अच्छा बहाना है कि भाई हमारा कॉर्पोरेशन बंद उस टाइम पे किया, इसलिए सिटीजंस विल प्रेस फॉर एटलीस्ट 2 or 3 ऑफिसर्स शैल बी प्रेजेंट इन दी वार्ड फॉर 24 आवर्स फ्रॉम आफ्टर द ऑफिस टाइम, ताकि अगर किसी भी कंप्लेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जाए तो वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके वहां रोके, ना कि 3 दिन के बाद वो स्ट्रक्चर खत्म होता है, उनको स्टे मिलता है, तो इसकी जवाबदार हम है, क्योंकि हम म्युनिसिपैलिटी को काम करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। तो आज सर मैं इस माध्यम से आप सभी को, बिकॉज यहाँ रोटरी क्लब में सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं,
सब ज्ञानी लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इस बहाने से हम म्युनिसिपल कमिश्नर पे प्रेशर करेंगे कि हर वार्ड में रात को दो ऑफिसर वहां बैठेंगे, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, वाटर लीकेज हो, ये काम इमीडिएटली वो विद इन 15 मिनट्स ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड दे शैल इंप्लीमेंट एंड स्टॉप एंड फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द पुलिस स्टेशन एंड लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। तो ये जो बहाना है, बिल्डिंग उड़ जाती है 3 दिन में 4 दिन में और हम कुछ नहीं करते, ये बहाना हमको बंद करना है। क्या आप इसे सहमत हो? अगर सहमत हो तो आप में से लीगल एंटिटी जो है इसको एक फॉर्म एक प्रेजेंटेशन करके हम म्युनिसिपल कमिश्नर को मिलकर 24 घंटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुली होनी चाहिए, स्पेशली ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे एंड ऑन द डेज वेयर द बैंक हॉलीडेज। द अदर थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग इज that we need to introduce RTI in our school in 9th or 10th standard में, क्योंकि जब हमारे बच्चे को RTI का basic information मिलेगा तो स्कूल से बाहर आने के बाद दिखेगा अरे यहाँ तो कचर पट्टी है, यहाँ तो झोपड़ा है, यहाँ तो obstruction है, तो वो स्कूल से ही चालू होगा आपको RTI करने के लिए, उसमें ताकत रहेगी, उसकी सोच उस direction में देगा। आज हमको अच्छे अच्छे लोगों को RTI क्या है मालूम है? मैं मेरे इसमें पैम्फलेट में RTI लिखा तो बोलते हैं RTI का मतलब क्या? ऐसी हालत हमारी अगर सिटीजन्स एजुकेटेड सिटीजन्स की है तो आप सोचिए कि हम कैसे लड़ाई करेंगे। इसीलिए RTI को 9th स्टैंडर्ड में कुछ सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करना और 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस करना, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इसका कुछ फायदा नहीं होगा। उसी तरह से कॉलेज में एक कॉमन सब्जेक्ट आईपीसी के कुछ सेक्शंस होने चाहिए, सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस होने चाहिए कि पुलिस स्टेशन में आपका हक क्या है, आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर कैसे रजिस्टर कर सकते हो, अगर पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करते तो उनके खिलाफ कैसा एक्शन होना चाहिए। वैसे ही इंडियन पेनल कोड में रेप के बारे में, चोरी के बारे में, ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, जो मेन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा एक 10 सेक्शंस जिसके वजह से हमारी बंबई वालों की जिंदगी सुधर सकती है और हम पुलिस और बीएमसी पे प्रेशर कर सकते हैं, यहां तक कि 10 साल 10वीं का बच्चा जो 15 साल का होगा वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके दम दे सकता है कि इस कानून के तहत आपको एक्शन लेना है, अगर आप नहीं लेते हो तो 166 के तहत हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। वही 15 साल का छोकरा अगर पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई को जाके बोलेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम आपका है, आप नहीं उठाते तो आपके ऊपर एक्शन लेंगे, ऐसी अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन धमकेबाज रहेगी तो ही हमारी बंबई सुधरेगी, नहीं तो हमारी बंबई नहीं सुधरेगी। हमारा जो डर है वो सिर्फ इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। हम हमारे बच्चों को, अगले जनरेशन को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के 10-10 सेक्शन सिर्फ सिखाएंगे, आरटीआई के मेन सेक्शन सिखाएंगे और देखिए आपका इफेक्ट क्या होता है इस बंबई पे। आई एश्योर यू माय नेक्स्ट 5 years मुंबई विल बी द बेस्ट बिकॉज द यंग जनरेशन एंड द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स विल बी ब्लंटली अटैकिंग द करप्ट एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। दूसरी बात यह है कि हमको हमारे गवर्नमेंट को एक लीगल टैक्स पेयर को देने के लिए पैसा नहीं है। आज कोविड में हमारे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि मैं अब म्युनिसिपल कमिश्नर को चैलेंज किया है कि लाइसेंस फीस कोविड में लॉकडाउन में नहीं भरने से उन्होंने 100% पेनल्टी का प्रोविजन किया है। तो हमने उनको बताया कि भाई आप डेवलपर्स को 5,000 crores की छूट देते हैं और जो आम आदमी है, जो आपको टैक्स देता है, जो आपको मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको 100% पेनल्टी आप, ये तो मुगलों ने भी नहीं लगाई है, ब्रिटिशर्स भी नहीं लगा, आप उनसे भी गए गुजरे हो क्या? आपको हम कंसेशन तो नहीं पूछ रहे हैं भाई, जो आपने बिल्डर्स को 5,000 crore का दिया, कंसेशन दिए टैक्स में, हम तो बोल रहे हैं हम पैसा भरने के लिए तैयार है, आप पेनल्टी मत लो। तो ऐसे अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं तो उनको उनकी जगह दिखाने के लिए हमको साथ में आना जरूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ पांच चंद लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए 95% को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उनको भिखारी बनाया जाएगा और 5% लोग हम पे राज करेंगे और ये हमको होने नहीं देना है। अब मैं आपके पास एनक्रोचमेंट की तरफ कैसा लड़ने का उसके बारे में आता हूं। अभी आप अगर एनक्रोचमेंट के तहत जाते हो तो एनक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन से आपको क्या फर्क पड़ता है? सेक्शन 268, 269, 270, 429, 431, 441 ऑफ इंडियन पेनल कोड कम्स इनटू ऑपरेशन। 268, 269, 270 क्या कहता है?
it is causing nuisance, it is causing health hygiene, unhygienic circumstances, and therefore you have got every right to file a complaint with the police as well as municipal corporation. अब obstruction और encroachment जब complaint करते हो तो इसमें सबसे बड़ा गलत काम करती है हमारे पुलिस. हमारा पुलिस आपको अगर obstruction के पास जाते हो या encroachment जाते हो, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे municipality का काम है. आपको उनको बोलना है कि आप ये हमको लिख के दे दो कि obstruction निकालने का हमारा काम नहीं है, ये municipality का काम नहीं है, उससे लिख के ले लो, नहीं तो बोलो आप काम करो. बिकॉज नो पब्लिक अथॉरिटी कैन डिनाई यू orally. उनको लिख के देना ही है, और अगर नहीं देते तो 166 उसके ऊपर लगाई. अब 429 क्या होता है? सेक्शन 429 यह होता है कि यहाँ रस्ते पे बकरे काटते हैं, मुर्गियां काटते हैं, और यहाँ रस्ते पे काटने का उनको किसी भी हालत में परमिशन नहीं होता है, इसलिए उनके खिलाफ 429 आईपीसी के तहत गुनाह होता है, एंड दैट इज नॉन बेलेबल, 5 साल की सजा है. प्लीज उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि वहां जो आपके सामने होता है उसके मेंटल में बहुत तकलीफ होती है, बाहर गंदगी होती है, और इनको आप अगर बढ़ावा दोगे. आज सब जगह, हमारे डोंगरी एरिया की बात कर रहा हूँ, कि डोंगरी एरिया के लोग बहुत त्रस्त है. यहाँ मेरे पास अभी आए हैं, वी आई एम क्रिएटिंग अ मूवमेंट फॉर दैट, कि रस्ते पे जो इलीगल काम करते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, वो मालिक हो चुके हैं, और वो जो ऑब्जेक्शन लेते हैं टैक्स पेयर्स, उनको वो जो काटने का उनका जो हथियार है वो बताते हैं, ये देखा है, ये आप पे भी चला सकते हैं, अगर हम इस पे चला सकते हैं तो, ऐसी धमकियां देते हैं. अगर आज हम जगह नहीं होएंगे तो आप माफ कीजिए, मैं आप सभी से ये कहता हूं कि हमारे बंबई में टैक्स पेयर की कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को दो कुछ, उनको क्या कंसिडरेशन मिलता है मुझे नहीं पता, मगर उनकी उनको इतनी सपोर्ट है कि वो हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं. हम वोट देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, मगर वो खड़े रहते हैं किसके खिलाफ, किसके सपोर्ट में, जो इलीगल काम ही करते हैं. इसीलिए हम, द वर्ल्ड इज वर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्संस, द वर्ल्ड इज वर्स ओनली बिकॉज ऑफ पर्सन लाइक अस, लाइक यू, हु आर साइलेंट एंड हु क्लेम टू बी गुड पर्संस. सो वी शैल स्टॉप to claim to be good persons. If at all we are keeping the silence, we shall come on the roads, we'll use our pens, we'll use 166, 217, 218 against the Indian public servants, and then we can say that we are good citizens. Otherwise, we are equally bad citizens as if those who are violating the law, because we are supporting them. So please take the responsibility on yourself, rather than filing, rather than crying and saying the public servants are not working. We owners are responsible to see that the public servants are working, and we shall get it done from them. And this is what I would like to motivate, to share my experience to each and every citizens, ki aap malik ho, malik ke jaisa kaam karo, naukaron se kaam karo, aur unko apne bacche jaisa izzat se de do. Ab aata hu main aapke paas police act mein. Police 431, ye abhi 429, 431 is the beautiful section. It says that anyone who plays mischief with the road, footpath, roadways, he shall be punished for 5 years. Now, anything which is done by any obstructor which reduces the safety of the roads, aapki safety kam ho jati hai obstruction ke wajah se. Aapki jo maksad hai, purpose hai, usko defeat hota hai. तो 430, 429, 431 के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन निकालना हमारा काम नहीं है, तो देयर इज ए हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड इन 2019. आई विल आल्सो प्रोड्यूस यू दोस जजमेंट्स, व्हिच सेज दैट वंस द बीएमसी रिमूव्स द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द रोड, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिमूव इट. और उस हाईकोर्ट के जजमेंट के तहत पुलिस कमिश्नर ने जून 2019 में सर्कुलर निकाला है लोकल पुलिस स्टेशंस को कि साफ करना आपका काम है. अब इस माध्यम से मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि हम सिटीजंस, हमारे पैसे से, अगर बीएमसी के पास बिचारों के पास 60,000-70,000 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है, मगर बिचारों के पास पैसा नहीं है, वो 4,500 करोड़ ब्यूटिफिकेशन और इलीगल कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर सकते हैं, मगर ये चीज के लिए बिचारों के पास पैसा नहीं है, तो हम उनको डोनेशन दे देंगे, और हम सिटीजंस एक बोर्ड बनाएंगे इन एवरी वार्ड कि यहाँ ये जो फुटपाथ है ये बीएमसी साफ कर चुके हैं, और अब
as per the directions of the Honorable High Court and as per the circular dated so and so of the police commissioner, ये फुटपाथ को सेफ और साफ सुथरा, सेफ और एनक्रोचमेंट फ्री रखना, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना, ये पुलिस का काम है और पुलिस इसको करना चाहिए। और वहां हम पुलिस स्टेशन का नंबर, डीसीपी का नंबर और उनका ईमेल आईडी दे देंगे। अगर हम ये कर पाएंगे तो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन का बहुत सा काम इजी हो जाएगा, म्युनिसिपैलिटी को भी इजी हो जाएगा, पुलिसों को भी इजी हो जाएगा, क्योंकि उन पर कानूनी प्रेशर हो जाएगा। इसलिए रोटरी क्लब की तरफ से और अन्य एनजीओ की तरफ से मैं अपील करता हूं कि हम इस बोर्ड को ज्यादा में ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उनको मोटिवेट करेंगे कि ऐसा बोर्ड लगाइए ताकि हमारे एनक्रोचमेंट कभी भी नहीं हुए। तो आपके पास हमने बताया कि अगर एनक्रोचमेंट के खिलाफ अगर पुलिस और बीएमसी नहीं एक्शन लेती है तो आपके पास 166 है, आपके पास 167 है, आपके पास 217 है, 218 है, उनके खिलाफ के खिलाफ आपके पास सेक्शंस है, ये 268। आप जरा नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और इसको हमको प्रोपगेट करना है। सेक्शन 268, 269, 270, 429, 431, 441 आईपीसी और एज पर बॉम्बे पुलिस एक्ट 102 एंड 115C, बिकॉज दिस एम्पावर्स देम। को वो 1200 रुपए का फाइन लगा, अगर सुबह साहब आपने 1200 रुपए का फाइन लगाया तो किसकी जरूरत, हिम्मत होगी कि यहाँ बैठने के लिए? ये पुलिस नहीं करते हैं। आप महीने में एक बार करेंगे और बाद में उनको करने देंगे, ये हम नहीं सुनेंगे। इन एज फार एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कंसर्न, MRTP 53 होता है और अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, 3 बार उसके ऊपर आपने कार्रवाई किया होता है, तो अंडर 516AAA उसके ऊपर वापस FIR हो सकता है। ये इतनी कानून में तरतूदे है मगर हमको पता नहीं है और हमारे गवर्नमेंट और हमारे पब्लिक सर्वेंट और हमारे पॉलिटिशियंस इसको प्रोपगेट नहीं करते। फैमिली प्लानिंग प्रोपगेट करते हो क्या? नहीं। आप बाकी सब चीज प्रॉपर, आपके नाम, आपका बर्थडे, आपने क्या अचीवमेंट किया, आपने किया भी नहीं होगा तो झूठे बोर्ड लगा के आप प्रोपगेट करते हो कि नहीं, जो कि इलीगल है। बैनर्स लगाना इलीगल है, उसको प्रोसिक्यूशन है। आपने ही कानून बनाया कि बैनर्स नहीं लगा सकते और आप ही उसको तोड़ रहे। ये कैसा बंबई है, कैसा महाराष्ट्र है और कैसे हम हमारे बाबा साहेब अंबेडकर को हम रिस्पेक्ट देते हैं। एक तरफ से आप उनकी पूजा करते हो, उसका पुतला लगाते हो और पुतला कहाँ लगाते हो, रस्ते पे लगाते हो ऑब्स्ट्रक्शन करके। ये उनका अवमान है या उनका सम्मान है? ये उनका अवमान है और ये अवमान हम नहीं सहन करेंगे। हम बाबा साहेब अंबेडकर के लिए इसके आगे रस्ते पे उतरेंगे और ये अवमान करने नहीं देंगे। खाली में आपको बताता हूं, एक कुछ खाली में आपको ये बताना चाहता हूं कि अब ये साल में इन्होंने मुंबई को ब्यूटिफिकेशन का 4000 करोड़ रुपए की सैंक्शन की है। आप सोचिए 4000 करोड़, मगर हमारे सब ब्रिजेस को पैसा नहीं दिया। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। आई हैव गॉट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड आई हैव डन कॉरेस्पॉन्डेंस विद एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स एज वेल एज सिटी। दिस इज हाउ आवर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स आर वर्किंग। मगर 4000 करोड़ उसने किसमें खर्चा किया, आप अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे पॉलिटिशियंस है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है कि रोड्स पे फ्लावर बेड्स बनते हैं, फ्लावर बेड्स इज इलीगल बिकॉज इट इज अ कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ बच्चों, हम लोग को चलने को जगह नहीं है तो आप रस्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन, फुटपाथ पे ऑब्स्ट्रक्शन बना सकते हैं और जबकि कानूनी तौर से इसको अधिकार नहीं है, यहां तक कि सर्कुलर है, पर हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट्स उसको सैंक्शन देते हैं। तो ये सैंक्शन के लिए मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोसिक्यूट कीजिए पुलिस बीएमसी ऑफिसर्स को कि उन्होंने जानबूझ के इलीगल काम को टैक्स पेयर्स का पैसे इलीगली लगाया, तो दे हैव कमिटेड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एज वेल एज पब्लिक फंड्स। फिर आपने देखे हैं कि रस्ते पे, बड़े बड़े रस्ते पे ट्रैफिक आइलैंड्स होते हैं। ट्रैफिक आइलैंड्स का मकसद होता है कि पब्लिक को क्रॉस करने के टाइम पे एक सेफ डेस्टिनेशन होना चाहिए, सेफ जगह होनी चाहिए। जबकि उसके पास सिग्नल नहीं होता है तो वो डिवाइडर, वो जो ट्रैफिक आइलैंड है उसमें खड़ा रहता है अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो कोई उसको ठोके नहीं, उसको एक्सीडेंट नहीं हुए। मगर हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मैंने उसके खिलाफ अभी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल किए पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कि उन्होंने ये गलत तरीके से किया है। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक आइलैंड्स को, तो हमारे पॉलिटिशियंस ने उनको अपने एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर्स बनाए, वहां कुछ भी गलत इरेक्शंस करते हैं, कॉन्क्रीट इरेक्शंस करते हैं, फ्लावर बेड्स इरेक्शन करते हैं, जिसके वजह से हमारे पेडिस्टेंस को वो
जो ट्रैफिक आइलैंड्स है उसको वापरने नहीं मिलता है, वो रस्ते पे खड़ा रहते हैं, वो रस्ते पे चलते हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडेंजरिंग द लाइफ? द ब्यूरोक्रेट्स एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल एज द पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल। तो आपके पास कोई भी पॉलिटिशियन इसके आगे वोट पूछने जब आएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, तो उनको पूछिए आपने कौन से कानून के तहत रस्ते पे फ्लावर बेड्स बनाए हैं, आप कौन से कानून के तहत आपने काम किया, आपको तो पगार मिलता है, आप नौकर हो, आपको पगार मिलता है काम करने का, तो हमारा पैसे वापर के आप हमने काम किया के बैनर कौन से कानून से बनाते लिखा करते हो। कल तो हमारे वार्ड ऑफिसर ने भी लिखना मांगता है कि मैंने बनाया करके, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो वो करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, सब स्टैंडर्ड काम किया। तो फिर आप बैनर्स ने हमने ये किया करके कौन से कानून से पूछते, आप उनको पूछिए कि सर्कल्स पे आप स्टैचूज लगाते हो कौन से कानून से स्टैचू लगाते हो, सर्कल किस लिए बनाया है कि ट्रैफिक मूवमेंट के लिए चाहिए, आपको विजन चाहिए सामने से ताकि आपके ट्रैफिक में कोलिजन न हुए, आप ट्रैफिक आइलैंड्स को खा रहे हो, आप फुटपाथ को खा रहे हो, ट्रैफिक सर्कल्स को खा रहे हो, आपका पैसा लगाया तो फिर भी हम सोच सकते हैं टैक्स पेयर का पैसा, यानी हमारा पैसा भी खा रहे हो, हमारा जगह भी खा रहे हो और हमारे जान को धोखा भी कर रहे हो। ये अगर हमको रोकना है तो वी शैल हैव टू प्रोसिक्यूट ईच एंड एवरी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉयज, या डायरेक्टली अटैक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, बाकी को छोड़ दो, कि उनके पास कंप्लेंट करो कि आपने कौन से तहत किया, आई विल गिव यू द ड्राफ्ट फॉर कंप्लेंट एंड इफ इट ऑल ही डज नॉट एक्ट ऑन दैट प्रोसिक्यूट हिम अंडर 166 ऑफ इंडियन पेनल कोड फॉर डिसोबीडियंस एंड डायरेक्शंस ऑफ लॉ विलफुल एक्ट ऑफ ओमिशन विद एन इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू पब्लिक एंड रॉन्गफुल लॉस टू द पीएमसी ट्रेजरी। ये अगर हम हर इंडिविजुअल नहीं करेंगे तो हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को ऐसा लगता है कि वो खुद कानून है और उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, हाल ही में मेरा पीएल एक अभी आर्गुमेंट हो चुका है रिगार्डिंग क्रॉफर्ड मार्केट के बाहर, आपने देखा कि बड़ा स्ट्रक्चर आया है ट्रांजिट मार्केट, वो इलीगल है क्योंकि उनका ही सर्कुलर है और गवर्नमेंट एमआरटीपी और एमएमसी एक्ट में उसमें ये है क्या बोलते हैं उसको सोल्यूशन है कि यू कैनॉट डू सो, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद इलीगल बांधती है। तो इसके खिलाफ हमने अभी पुलिस कंप्लेंट भी की है कंसर्न ऑफिसर्स के खिलाफ और पीआईएल भी फाइल किए है, उनके पास कोई आंसर नहीं है। गलत एफिडेविट दिया जाता है कि अंडर सेक्शन 319 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ एमएमसी एक्ट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज एम्पावर्ड टू स्टॉप द रोड्स, मगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेड इन व्यू ऑफ द अफोरसेड सेक्शंस एंड द अफोरसेड सेक्शंस ऑफ 317-318 सेज व्हेन द रोड कैन बी क्लोज्ड इज, आपको रोड का रिपेयर है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का रिपेयर है, तब किए। वो कन्वीनियंटली वो कंसील करते हैं, वो सोचते हैं कि सिटीजन पागल है, बेवकूफ है, वो पढ़े लिखे नहीं है और इसका गैर फायदा वो लेना चाहते हैं। बस दुर्भाग्य की बात है कि आज सिटीजन्स बहुत होशियार हो चुके हैं और हम उनको और होशियार बनाएंगे ताकि हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को ये नहीं लगे कि वो ही सब जानते हैं, हम उनसे ज्यादा जानते हैं। आप आईएएस एग्जाम पास किए, बहुत अच्छे, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर आप आईएएस एग्जाम पास करने के बाद में आप समझिए कि आपको अपॉइंट किया हमारी सेवा करने के लिए, आप सेवा कीजिए ना कि गलत लोगों को साथ दीजिए। फिर मैं आपको दो सेक्शन बताना चाहता हूं, सेक्शन 64C ऑफ एमएमसी एक्ट, इट इज ए रिप्लिका ऑफ रेगुलेशन 10 ऑफ ड्यूटी डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी 2005। वो कहती है कि विद इन 45 डेज यू हैव टू डिस्चार्ज, नो फाइल शैल बी केप्ट पेंडिंग फॉर 7 डेज। तो ये आप एमएमसी एक्ट तो आप ही ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, आप ही उसको उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको पकड़ के 166 मारना ये हमारा फर्जी है, हम ये फर्ज से नहीं जाओ, हम उसको फर्ज नहीं निभाओगे तो ये लोग आपको बेच देंगे, मुंबई बेच देंगे, रास्ता बेच देंगे, रास्ता पे ये करेंगे। अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन के पास आता हूं, आपको अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ लड़ना है तो आप डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स और डीएम से रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे बहुत से सर्कुलर्स है जिसमें डीएमसी और असिस्टेंट कमिश्नर्स को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा गया है और वो सभी सर्कुलर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब सर्कुलर डेटेड 12/4/2013 के बाद ये है, बाय 12/4/2013 इट इज सेड दैट
दी ऑफिसर शैल विजिट द साइट, वो फोटोज निकालेंगे, फिर वो नोटिंग करेंगे, दे विल प्रिपेयर अ रजिस्टर, और वो रजिस्टर हर हफ्ता असिस्टेंट कमिश्नर उसको चेक करेंगे और उस पर एक्शन हुआ क्या नहीं वो कंफर्म करेंगे, महीने में एक बार डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर उसको चेक करेंगे और उस पर एक्शन हुआ क्या नहीं उसको ताकीद देंगे और उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इतनी तरतूद होने के बावजूद भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो इसके जिम्मेदार हम है, वी सिटीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू डू अवर ड्यूटीज एंड वी वॉन्ट द सेवक टू डू अवर ड्यूटीज। अगर मालिक कमजोर है तो सेवक कहां से हमारी काम करेंगे, वो तो हम पे हमारे सर पे बैठेंगे। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को अपील करता हूं कि आप मालिक हो, मालिक की ताकत बजाओ, और इस जो आईपीसी सीआरपीसी सेक्शंस और बीएमसी एक्ट एमआरटीपी एक्ट के सभी सेक्शंस और सर्कुलर्स में आपके साथ शेयर करूंगा, और इस सेक्शन के तहत आप जो गलत ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ हम उसको ताकत देते हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधरने के लिए कभी कभी आपको उस दवे की डोज ज्यादा भी होगी और आप बर्बाद हो जाओगे, आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, आप कभी भी जेल में भी जा सकते हो। हम नहीं चाहते हैं कि आपके खिलाफ हम कोई ऐसे गलत मतलब ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्शन ले, मगर आप हमको फोर्स भी मत कीजिए, हमको और कोई चारा नहीं रहे और आपके खिलाफ हम स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। ये आपके हाथ में है कि आपको सही काम करना है, हमारा सपोर्ट चाहिए, या आपको गलत काम करना और हमारी प्रोसिक्यूशन चाहिए, ये आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर हमारी एक्शन ये आपके ऊपर होगी, हमारे पे नहीं। अब 18-1 जीएडी सर्कुलर है 18-1-2013, उसमें तो टोटल दिया गया है कि वो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स विद द रोटरी ग्रुप, फॉर दैट नो इश्यू। हाल ही में हमारा एक अच्छा काम हुआ है कि हमारे दोस्त है जो सीनियर एडवोकेट है जमशेद मिस्त्री जी, हम सब मिलके अब एक लिटिगेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहे हैं। आज हम कोर्ट में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, 10-10 साल 20-20 साल, मेरे खुद की सूट है, आज 30 साल से सूट में, अभी कब होने वाले हैं मुझे पता नहीं। सो हम लिटिगेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहे हैं, जिसके तहत हम जो लिटिगेंट्स की तकलीफें क्या है वो हम उसको प्रोपोगेट करेंगे, एंड वील क्रिएट अ डायलॉग विद द कोर्ट्स, विद द जुडिशरी, विद द गवर्नमेंट, वेयर बाय दे कैन फॉर्मुलेट पॉलिसीज जो हमको हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को या लिटिगेशन को जल्दी में जल्दी खत्म करें। ऐसे हम नोडल एजेंसी बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं जमशेद मिस्त्री साहब को सलाम करता हूँ, एंड वी विल डू दैट। द अदर थिंग आई विश टू रिक्वेस्ट ऑल माई learned Rotarians, because you are absolutely well educated, financially very sound, and you have got very good contacts. आज government जो है हमको mask के लिए 200 रुपया fine illegal, vaccines illegal, हर चीज illegal बनाती है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम उसके खिलाफ करने जाते तो हाल ही में 2016 में 2018 में हमारे central government ने prevention of corruption में एक amendment लाया 17A, जिसके तहत आपको आपको कंप्लेंट अगर आप एंटी करप्शन के पास फाइल करते हो, आपको तो मालूम है एंटी करप्शन कुछ काम नहीं करते, दिस इज आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड टू से दैट एंटी करप्शन कुछ काम नहीं करती है। एंटी करप्शन के पास 11,500 कंप्लेंट आई है ये 3 साल में, और एफआईआर कितना रजिस्टर हुआ है, सिर्फ 5। अगर 11,500 में 5 एफआईआर रजिस्टर होता है, इसका मतलब 11,500 जो भी है वो कंप्लेनेंट को अकल नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं। और दुर्भाग्य की बात बताता हूं, सिर्फ 500 कंप्लेंट में इंक्वायरी हुई है और इनके पास 10,500 कंप्लेंट्स के क्या पोजीशन है, उसकी स्टेटस क्या है, उसकी कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। इस तरह से हमारी एंटी करप्शन काम करती है, तो हमका हमारा फर्ज होता है कि एंटी करप्शन के खिलाफ हमको आवाज उठाना है, और मैंने 2 प्रोसिक्यूशन एंटी करप्शन के खिलाफ किए है। आई हैव आर्ग्यूड द मैटर पर्सनली before court number 62 at Worli, and I think 8 या 9 तारीख को I'll be arguing my second prosecution complaint against the DG of anti-corruption. इस माध्यम से मैं किसी भी को ये नहीं चाहता हूं कि मैं prosecute करूं, मगर आप काम नहीं करोगे, आप हमको जनता को नहीं बचाओगे फ्रॉड से, तो हम किसके पास जाए। इसीलिए आपको ताकीद देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आप बताइए कि हम कानून को पालन करेंगे, मैं सब प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करूंगा, क्योंकि जब आपको मैं प्रोसिक्यूट करता हूं तो मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मेरा फैमिली छोड़ना पड़ता है, मेरा बिजनेस छोड़ना पड़ता है, मुझे फाइनेंशियली भी खर्चा होता है, तो मैं ये सब क्यों करूं। अगर आप काम करेंगे तो हमारी भी भलाई होगी, आपकी भी भलाई होगी। तो
बोला है, इट इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. व्हाई आई एम सेइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज बिकॉज आप 3 महीने के टाइम देते हो उनको टू कॉज डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंसेस, टू डिस्टर्ब एविडेंस, टू इन्फ्लुएंस द विटनेसेस. जबकि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी सेज दैट इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, दैट मींस व्हाट, यू हैव मेड 154 यूजलेस. एंड दिस इज व्हाट अवर पब्लिक सर्वेंट्स एंड अवर पॉलिटिशियंस आर डूइंग. अगर हमने चोरी, हमारा गलत है तो आप हमको इमीडिएटली अरेस्ट कर दो एफआईआर. और उन्होंने किया तो उनके पास 197 का प्रोटेक्शन है, उनके पास सेक्शन 19 का प्रोटेक्शन है कि चार्जशीट होने के बाद में आप उनका सैंक्शन ले लो, मगर आप उनके खिलाफ इंक्वायरी भी करने का परमिशन दे देते हो तो किस तरह से ये आप हम पे जुल्म कर रहे हो. हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे पे जुल्म कर रहे हैं. हमारे पे जुल्म इसलिए कर रहे हैं कि हम पे केस करना है तो कोई नहीं, पब्लिक हम सेट पे आपके मालिक पे करते हो तो कुछ नहीं है, नौकर पे करते हो तो आपको सबके प्रोटेक्शन, आपके 19, आपके पास 19 का प्रोटेक्शन है, 197 का प्रोटेक्शन है, आपको पहले प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है. और द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंटी करप्शन, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन लॉ सेज दैट इट इज देयर टू प्रोटेक्ट द ओनली हॉनेस्ट पर्संस, नॉट द डिसऑनेस्ट पर्सन. मगर आज हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट जांच करने के लिए भी नहीं देती. यानी वो सोचते हैं कि जो भी है वो ऑनेस्ट ही है. और जिस तरह से अगर 11,000 कंप्लेंट में से 3 FIR या 5 FIR होता है तो हमारे आपके ऊपर सैलरी पे कितना खर्चा होता है, हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स पे कितना खर्चा होता है. तो क्यों एंटी करप्शन बंद करो, जिसको लूट करना है करने दो, माइट इज राइट, जंगल राज होने दो. नहीं तो भी आज है, कम से कम हमारे आपको पगार देने का, हमारे आपका बिल्डिंग पे खर्चा तो बचेगा. हम जाके जो गुंडे लोगों को जाके सलाम करेंगे, दुआ करेंगे, बाबा आप हमको माफ करो. आज भी तो लोग क्या करते हैं, 25-30 साल अगर सूट नहीं आते तो क्या करेंगे हम लोग. तो वी हैव टू वर्क टूगेदर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ द लिटिगेंट काउंसिल एंड क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप ऑन द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट दिस थिंग. फिर दूसरा हमारा है कि अगर एंटी करप्शन केस करती है डिसप्रोपोर्शन एसेट पे तो उसको सीज नहीं करती है और ट्रैप करती है तो द ओनर शैल बी ऑन द पर्सन हु इज ट्रैप. जैसे ड्रग्स में द ओनर इज ऑन द पर्सन जिसके पास मिला हुआ है. आप करप्शन करते हो, आप देशद्रोही हो, आपको किसी भी हालत से किसी भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए. तो ऐसे देशद्रोही लोगों को आप बोलिए कि यू प्रूव योर केस दैट व्हाई हाउ दैट मनी हैज कम टू यू. और डिसप्रोपोर्शनल एसेट में आपका 100 रुपया आपका इनकम है तो 200 रुपये तक ठीक है, मगर 500-1000 रुपया होता है तो भी आप उसको सीज नहीं करते. ही इज एंजॉयिंग दैट डिसऑनेस्ट वेल्थ. He is using that wealth to appoint best of the lawyers. So who is propagating the illegalities? Our government, our politicians, our bureaucrats are propagating. They are showering protection on them. Immediately disproportionate assets shall be seized. The owner shall not be able to get all those benefits. And let him prove how it comes within the ambit of his income. Why should we prove? Because he has played a fraud on the state. He has committed an economic terrorism on the state. And you are giving him protection? Why? So we have to challenge all those things. Phir hame aapke paas aata hu RTI. RTI is the biggest tool. Magar aaj hamari government ho, hamare politicians ho, I want to go on record that the information, present information commissioners, most of them, not all, are trying to destroy the Information Act. And I have filed criminal prosecution against some of those also because they pass incorrect orders. They do not comply with law. They do not dispose. 4 saal se RTI application agar pending hai, to wo uska maksad kya hai? Uska information 4 saal ke baad aadmi mar gaya, uski property gayi, wahan illegal construction ho gaya, to uska matlab kya? तो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट एंड वी नीड टू टेक अप दैट वेरी सीरियसली बिकॉज दे विल डिस्ट्रॉय दिस मुंबई बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट. इफ एट ऑल द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैज नो ऑब्जेक्शंस टुवर्ड्स माय सबमिशंस, आई रिक्वेस्ट देम टू हैव अ पब्लिक डिबेट एंड इन द इवेंट मेरा कुछ गलती है तो मैं आपसे माफी भी मांगूंगा, मगर मुझे गलत साबित कीजिए, मैं आपसे माफी मांगूंगा. मैं जानकारी रखता हूं कि आप हर चीज गलत करते हो, ये मेरा मानना है, और अगर कहते हो तो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको दे दूंगा. तो इसीलिए सब आपके साथ में रहना चाहता हूं, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि प्लीज सभी साथ में आइए. मैंने आरटीआई के बारे में रिजेक्शंस, यू नो आरटीआई कैन बी रिजेक्टेड,
only under section 8 and 9. मगर हमारे पुलिस, हमारे आईएएस, हमारे आईपीएस, हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स गलत काम करते हैं. आपको कभी कहते कहते दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉल अंडर 2H. वेयर इज द प्रोविजन? आरटीएस इज यू कैन डिनाई ओनली अंडर सेक्शन 8. फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस प्रोविजन? आपको मालूम है कि नो इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर. तो फिर आप 2H का सवाल किधर रहते हैं? आप प्रोविजन ऑफ लॉ पूछते हो तो बोलता है इट इज अ क्वेश्चन मार्क. आपको बताना चाहता हूं कि आरटीआई एक्ट ने कहीं भी नहीं लिखा है कि आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो. और ये हमने बताने के बाद में हमारे स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने 2012 में सर्कुलर निकाला है कि आवर सिटीजन्स आर नॉट सो एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट देयर क्वेश्चंस और हाउ टू आस्क देयर क्वेरीज. देयरफॉर एनी क्वेश्चंस आस्क्ड शैल बी आंसर्ड. मगर हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर आज के उनके डिपार्टमेंट ही गलत काम करते हैं, उनके ऑफिस में गलत काम करते हैं, उनके पीआईओ गलत काम करते हैं, उनको एफएए गलत काम करते हैं और ये चुप बैठे हैं. तो इसके जिम्मेदार कौन? आपको पता है कि आप अगर प्रोविजन ऑफ लॉ पूछते हैं तो बोलते हैं क्वेश्चन से आप सेक्शन 4(1)(b)(3)(4)(5) पूछिए. देखिए उसमें कहता है कि इट शुड बी पुट ऑन वेबसाइट ऑल सर्कुलर्स ऑल लॉज एंड every law and policy which is practiced by the public servant. बोलते how are you asking us questions? This is questions. अरे तुम कौन से कानून के तहत illegal constructions को बचा रहे हो? ये पूछना हमारा फर्ज है. आपने कौन से कानून के तहत 351 के नोटिस देख के चुप बैठे हो? MRTP नोटिस देने के बाद 30 दिन के बाद आपको एक्शन लेना है, 31st डे को फील्ड बुक बनाना है और within 7 days you have to demolish it. आप क्यों नहीं करते हो? तो ये कौन से कानून में करते हो ये पूछना हमारा ताकत नहीं, हमारी फर्ज नहीं है. तो आप हमारे मालिक नहीं हो, आप हमारे सेवक हो, हम आपके मालिक हैं. हमारा फर्ज है आपको पूछना, जो आज तक हमने नहीं किया अब हम आगे करेंगे और आपसे हम काम करके मुंबई को अच्छा बनाएंगे. आई होप आई हैव shared most of my knowledge and information to you. If at all you have any queries, I am ready to answer. But mind you, I am a very small person. मेरे पास कोई law degree नहीं है. मैं कोई competent authority या person नहीं हूँ. I am sharing my information. आपसे भी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ. अगर मेरे बात करने में आपको कुछ गलत लगा या कुछ overboard लगा तो मुझे माफ कीजिए, मुझे बता दीजिए. मैं अपने आप को भी सुधारना चाहता हूँ. कमलाकर जी. Yes, sir. Kalakar, I have a few questions, but at least one question I have selected. See, this particular series of seminar and presentation in the form of webinar after COVID lockdown, primarily our seminar is layman education on society law, corporate laws, and the property laws. Now, I have the questions on 2-3 important issues regarding functioning of the department. There is an office of deputy registrar, district deputy registrar, and divisional joint registrar. Now, yes, the basic complaints are that to start with divisional joint registrar, daily, whenever there are hearing, the board lists more than 50 to 70 cases, 35 pre-noon and 35 post noon. There is no information with the public online as to whether the hearings are going to be taken up or it will be adjourned, the board is going to be discharged. Now, with every litigant, as we know in the suit matters, there are two sides or three sides. There are two or three lawyers. They are accompanied by two or three litigants. That means on average, there are 5 people for any one case. For 70 cases, there will be 350 people. If you see 6th floor of the Malhotra house. I've been there. I've been a victim of that. Yes. The question is, what is the way out and how to find? It's not easy, difficult for them to put it on the notice board or advance mein inform karo, sabka email hota hai, sabka contact details hota hai. There is a one thing. Secondly, many a times the litigants are called by the deputy registrar and the registrar
when it comes to rejecting or canceling the petitions or the complaints, they find small excuses. They are not transparent in their functioning. They are one of the worst departments. Yeah, people are made to wait for hours. Morning ka time dete hai 11 baje ka. Agar unko cancel karna hai to bolenge aap 11 baje ke 5 minute ko aaye. Aur agar jaate hai to 5 baje tak bithane ka. So can you just enlighten our people? Because as I told you initially, yes, this is a webinar for layman education on property laws. And the, so please enlighten and show the way out as to what the citizens can do. Today we are technology driven. We have got internet and everything on internet is official. It is not that key by internet is not official. So they should present, they should clear some, disclose their board on the website one. And they should have provision. कि भाई जिसको लेना है डेट लेना है तो पहले ही दे लो, तो ताकि वापस आने की जरूरत नहीं, वो ऑनबोर्ड ले सकते हैं. अनलेस यू रिजेक्ट देयर एप्लीकेशन कि भाई यू हैव टू कम कंटिन्यूस, जो डेट लेने वाला है उनकी बात छोड़ दो, पर कोई किसी किसी लोगों को जरूरत होता है तो ऑल द वे आने की जरूरत नहीं. दूसरी बात कि लेट देम मेक शेड्यूल्स कि 11 से 1 बजे तक इतना, 11 से 2 बजे तक इतना, ताकि सभी लोग एक साथ नहीं आवे, क्योंकि वहां हवा नहीं होती है, बैठने की जगह नहीं होती है, वहां कुछ भी सुविधा नहीं है. अगर आप 5-5 घंटा सफोकेशन में रहोगे तो उसी तरह से आप बीमार गिरोगे. तो वी सिटीजन्स, देखो सर, आज हम लोग ग्रीवेंस करते हैं मगर हम कोई एक्शन नहीं करते. वी विल टेक अप दिस मैटर, वी विल मेक अ प्रेजेंटेशन टू द जॉइंट डिविजनल रजिस्ट्रार कि दीज आर अवर डिमांड्स, प्लीज फुलफिल दैट. एंड इफ इट डज नॉट फुलफिल सो विच आर जेन्युइन एंड विच इज अवर राइट फंडामेंटल राइट्स, वी विल प्रोसिक्यूट हिम अंडर 166 बाय टेकिंग सैंक्शन. Now the only thing is, आप जो भी पब्लिक सर्वेंट से काम करोगे उसकी कुर्सी हिलाओ. आप सोचिए कि उनको कुछ भी मिलता है, दे गेट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप गालियां दोगे, थोड़े गर्म होके बात करोगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उनको फर्क तब पड़ेगा जब उनकी कुर्सी हिलेगी, जब उनको जेल में जाने का डर रहेगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है 166 विल से मुंबई, मेक इट अ लोगो, से मुंबई बाय प्रोसिक्यूटिंग अंडर 166. ऐसा कुछ आप कुछ सोचिए. Let that go viral all over Mumbai and Maharashtra. अगर आपको बचाना है तो पब्लिक सर्वेंट को 166 के तहत प्रोसिक्यूशन चालू करो, उसका इफेक्ट मत देखिए. आज तक आपने जो भी समझो आदमी है वो बिंदास जा रहा है, चोरी करता है जा रहा है, कोई पूछता नहीं, तो उसके और भी हिम्मत बढ़ जाती है. आप सिर्फ उसको ठोको, रोको, उसको बोलो अरे भाई कौन है आप, ये आपका क्या हक है, ये करो, आप पूछो, देखो 50% लोग भाग जाते हैं. अगर किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, वो बेचारे मुंडी नीचे डाल के जाए तो और 10 लोग उसको छेड़ेंगे, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है. जिस दिन लड़की ने खाली आंख उठा के क्या रे एसी बीसी डीसी कुछ बोल दिया तो 99% भाग गए. तो हमने हिम्मत नहीं, मैडम सर हम लोग तिजोरी खुली करके सो रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमको लूटे. अभी तिजोरी बंद करो और खुद जग जाओ और देखिए पब्लिक सर्वेंट कैसा काम करता है. लेट अस मेक प्रोसिक्यूशन ऑफ 166 ऑफ पब्लिक सर्वेंट एज अ मोटो टू ऑल मुंबईकर्स एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र. एंड लेट द सिग्नल गो टू द ऑल टॉप ब्यूरोक्रेट्स दैट वी शैल बी अटैकिंग दोज टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, बिकॉज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आर योर क्या बोलते हैं उनको, आपके हुक्मों के गुलाम है. वो आपके खिलाफ आंख उठा के भी नहीं, मैं देखा हूं कि जूनियर ऑफिसर्स को गधे बोलते हैं, गाढ़ो बोलते हैं, तुमको अक्कल नहीं बोलते, वो बेचारा कुछ नहीं बोल सकता जबकि गलती उनकी होती है. मिसाल के तौर पे बता तो अंडर एक किसी ने FIR अगर रजिस्टर किया अच्छा पुलिस ऑफिसर ने, तो उसको वरिष्ठ बोलते बोला देने के लिए, जबकि DCP को कोई भी राइट नहीं है पुलिस ऑफिसर को पूछने के लिए कि आपने FIR कैसे रजिस्टर किया. He has got no right. 154 subsection 1 के तहत senior PI और IO का right होता है FIR register करने का, मगर हमारे DCP level और senior level उसको obstruct करते हैं. So we should prosecute the DCP for obstructing the police station from registering an FIR. इस तरह से हमारी government काम कर रही है. तो जब तक हम साथ में नहीं आएंगे, हम प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, और उस प्रेजेंटेशन में हम उनको नहीं बताएंगे कि आप अगर डिस्चार्ज नहीं करते हो अपनी ड्यूटी तो वी विल प्रोसिक्यूट यू, दिस विल गो ऑन परमानेंटली एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 166 IPC. बोलिए सर. या आई होप आई एम सैटिस्फाइड यू. या आई एम रमेश प्रभु हियर. कमलाकर जी, हां सर, समवेयर इन 2013-14 ऑनवर्ड्स
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट बनाया था, ओके सरकार आयुक्त का वेबसाइट है, जिसमें आपका पूरा कंप्लेंट ऑनलाइन होता है और ऑर्डर भी ऑनलाइन होता है, बट आपको पता है कि डिपार्टमेंट वाले उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आज उसका पूरा का पूरा डिफेक्ट कर दिया। यदि उसको रिवाइव करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 साल हो गया, बार बार हम रिमाइंडर दे रहे हैं, वो बोलते हैं गवर्नमेंट ने उसको पैसा नहीं दिया। माँ ऑनलाइन उनका जो पोर्टल है, उन लोग बोलते हैं कि हमको एक्टिवेट करने का कोई तकलीफ नहीं है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने हमको पैसा देना चाहिए, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमें पैसा नहीं दे रहा है, इसके लिए हम उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे या मेंटेन कर नहीं रहे। और उन लोग ऑफलाइन एप्लीकेशन भी नहीं लेते थे, अभी हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, इफ ऑनलाइन इज नॉट वर्किंग देन ऑफलाइन कंप्लेंट शुड बी एक्सेप्टेड, तो अभी ऑफलाइन कंप्लेंट ले रहे हैं, काम हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हाउ कैन वी गो टू द गवर्नमेंट और द हाईकोर्ट एंड गेट द ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेड। सर मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है कि उनको बाकायदा लेटर लिखिए और प्रेजेंटेशन दीजिए कि एज पर लॉ यू आर सपोज टू मेंटेन वेबसाइट, यू आर सपोज टू डू दिस। अभी बात आती है पैसे की, मैं आपको एश्योर करता हूं, कि गवर्नमेंट को मैं लाखों करोड़ रुपया दूंगा, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही खुद लूट रही है, हमारे म्हाडा लूट रही है, एसआरए लूट रही है। मैंने पीआईएल फाइल करने के बाद गवर्नमेंट उसको रिकवरी नहीं करती और एसएलपी करती है, तो एक तरह से आप पैसा नहीं करके लोगों को तकलीफ देते हो, उनकी सुविधाएं काटते हो, और एक तरह से हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटने को दे देते हो। ऐसे दुविधा एक्शन हमारे पॉलिटिशियन और हमारे गवर्नमेंट करते हैं, और उसके लिए भी जिम्मेदार हम पब्लिक है। आज इस माध्यम से मैं आप सभी को एक आई वॉन्ट टू आस्क रिक्वेस्ट यू कि प्लीज गेट अवेकेंड। हम इसको ये 40,000 करोड़ आपने रिकवर क्यों नहीं किया? अभी बीएमसी के फ्रॉड, हम जो अभी फाइलिंग अ रिट 5,000 प्लॉट है, सभी को बर्बादी कर दिए, हर प्लॉट खाली बिल्डर्स के घसे में डाल दिया जो कि पीएपी लेनी चाहिए। तो मैं इस माध्यम से हमारे सीएमओ को, हमारे बाकी मिनिस्टरों को या गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैंने कोविड में भी ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं फ्री में गवर्नमेंट के लिए काम करने को तैयार हूं, मुझे एक पैसा आपसे नहीं चाहिए, मैं आपको लाखों करोड़ की इनकम दे दूंगा, मगर आपको हम नहीं चाहिए, आपको ऐसे आईएएस चाहिए, ऐसे आईपीएस चाहिए जो काम नहीं करके आपके साथ हाथ जोड़ी करेंगे। प्लीज हमको इसको जागरूक करना है कि देयर शुड बी हर गवर्नमेंट में एक सिटीजन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप हर जगह, आपको हर फोरम में आप आईएएस और आईपीएस रखते हैं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्यों वो सिटीजन्स को नहीं रखते हैं? क्योंकि वो डरते हैं कि सिटीजन्स अगर आएंगे तो वो नंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, वी विल यूटिलाइज दिस, वी हैव आवर ग्रेट डायनामिक केवीजे राव, आई कैन सी हिम ऑन द स्क्रीन, ही इज अ ग्रेट फाइटर, वी हैव टू कम टूगेदर। वो क्रिमिनल लॉ में काफी उस्ताद है, मेरे उस्ताद है, इनफैक्ट आई समटाइम्स आस्क क्वेश्चंस टू हिम। So I want that with this we shall prosecute all top bureaucrats who are not functioning. और पैसे की बात है ही नहीं, let us have a meeting with the CCM, let us have a meeting with the governor, and I will show them how to raise the revenues. You appoint citizens, alert citizens who will help you to raise the revenue. आप हर जगह पैसा वसूल नहीं करते हो, आप हर जगह गलत काम करते हो और पैसा नहीं देते हो। आपके पास एजुकेशन सेस है, हेल्थ सेस है, फिर भी आप आपके हॉस्पिटल में दवा नहीं है, क्यों भाई? आपको लोगों को देने के लिए पेंशन देने के लिए पैसा नहीं, पुलिसों को सब उनके पुलिस वो आर वर्किंग फॉर 24 आवर्स, उनको आप कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देते हो रिटायरमेंट के बाद में, और हमारे एमएलए एमपी 5 साल होते हैं तो उनको जिंदगी भर की, व्हाई इट इज डिस्क्रिमिनेशन? पैसा नहीं, पहला वो बंद करो। अगर एमएलए एमपी के लिए पैसा है, सब उनको उनके फैमिली के साथ उनको सब चीज के लिए पैसा है, तो पब्लिक सर्वेंट जो है, जो हमारे पुलिस है, जो हमारे हॉस्पिटल के अथॉरिटीज है, उनके लिए पहला करो। हमारे लिए एमएलए और ये कोई बड़ी मायना नहीं रखते, क्योंकि आप 5 साल काम करोगे, आप तो करोड़, आपके एसेट्स तो करोड़ों रुपए के एसेट्स है, तो आपकी जरूरत क्या है? तो हमको इस खिलाफ आवाज उठाना है। हम आवाज नहीं उठाते कि यू फर्स्ट स्टॉप ऑल पेंशंस टू द एमएलए एमपीज and use that funds for the betterment of the society. Society is important, not you.
या बताओ कि आप भिखारी है, बताओ हमको, आपको रहने को घर नहीं, बताओ तो जरूर दीजिए। आप बंगले में रहते हो, गाड़ियों में फिरते हो, क्या जरूरत है? कमलाकर जी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राव साहेब टू थ्रो टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस, अबाउट द टू पेज टॉपिक। राव साहेब प्लीज, अनम्यूट योर सेल्फ सर। सर अनम्यूट योर सेल्फ। Good morning, everybody. Thank you, Kamalakar ji, for your kind words. But the हम सब करते हैं, जो करते हैं उनको वो जानते हैं कि तकलीफ क्या है। आप कोर्ट भी जाओ तो कितना साल लगता है? And that is what emboldens the public servant. क्या जाओ ना कोर्ट, 20 साल ना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। And who's paying for his incompetency? The government, as Kamalakar ji said. He filed a PIL, the municipality has filed an SLP, government has filed an SLP. What moral right this government has? Take out the facts. Aur hum sab bol rahe hain, the basic problem lies with our judiciary as well. Aap ek 156(3) ka application dal ke dekhiye sir, 2 saal, 3 saal, 4 saal lagte hain. And some reason or the other. Jabki wo 15 din mein, significance? In fact, abhi most probably Monday or Tuesday, I am filing a revision petition under 397, where I am taking an ACCM and a magistrate to court. Can you imagine the magistrate is telling me to take this to another forum? Who is he to decide the forum? The Supreme Court says, I will decide the forum. Isiliye sir, I have a magistrate. Boliye kamra kar. That is why we have come up with an idea of Litigants Council of India, which Jamshed Bisri is. So once that will happen, at least we can have some grievances, or hum ek nodal agency banke Supreme Court, High Court, or government ke saath hum vartalap kar sakenge, aur ye jo humko hamare liye suvidha ke liye hum koshish kar sakte hain. Yes, sir. I totally agree to what you're saying, sir. But then. कब तक हम लड़ते रहेंगे सर? मरते सर, आप ये सोचिए कि हम मरने के लिए और लड़ने के लिए पैदा हुए सर, जब हाँ, 1857 की लड़ाई के बाद 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला है। हमारी जिंदगी मौत के लिए, मरने के लिए, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं ये सोचता हूँ मेरे जिंदगी में मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर मेरे अगले जनरेशन को मैं ऐसे झाड़ लगा के जाऊंगा। सर हम क्यों लड़ रहे हैं? हम भी उसी वजह से लड़ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी लड़ाई अभी ये है कि they want to take me for contempt at every stage. आपने मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कंप्लेंट किया तो contempt, you are giving proof, contempt. Who will bail the cat? We will bail the cat. Exactly. We have to. जो पहला जाएगा, जो पहला जाएगा, उसको बलि का बकरा बन जाएगा. Consequences. For your information, you know, yes, sir, मेरे पे 8 atrocity cases हैं. I have 8 atrocity sir, cases against me. Sir, you know my history. So we will be targeted, but I am not worried. We are not worried. You and I, we are fighting tooth and nail. And we shall create 100 such activists and government. इन लोग कितने लोगों के पीछे लगते देखते हम आज हर मंदिर की कोशिश करेंगे। मैं गर्व से कह सकता हूँ, that I've got a chief justice of a high court to remit office because I sought his prosecution. I'm very proud. Yes. People are talking. Court. Talking, judges are talking about me. कि ये कौन है ये आदमी? Imagine a chief justice takes over office on a particular day, or 10 दिन में I have said, how are you? I have used the international media because it came up in the London newspapers that a corrupt judge is being promoted. They were forced to ask him to remit office. Sir, मेरे को रोज contempt notice आते हैं, रोज, and I laugh. Sir,
our life is miserable. I accept. My life is not miserable, sir. I'm happy with it. I'm happy with it, sir. From family point. I was taken before Justice Naresh Patil. I was taken before Justice Dharmadhikari. And I said, if truth is not a defense, then I am in contempt. And all three said, we are not interfering. We are not issuing contempt notices. So I'm not scared, sir. I'm now facing one in the Delhi High Court. I see how judges give interim relief behind the back of litigants. And then that stay order is latifying despite Asian re-road surfacing. Yesterday, I had a magistrate who's given 2 months time because I couldn't come. Unfortunately, I couldn't appear in court yesterday. So he's given 2 months time. Whereas the relief granted under Article 226(3) automatically has been revoked. Automatically. So I have to beg and plead at every stage. Yes, yes. You see, and you, the for judiciary... For your information, aapne kabhi suna hai, I was arguing in person in one of the court, I don't want to tell which court, that magistrate is not allowing me to argue. Bolta vakil law. Bola mujhe vakil ka fees nahi parvadta hai. Nahi, main aapko dega hi nahi. This is the way the magistrate is working. How? He is not allowing me to argue. 3-0... इसीलिए तो हम आए यहाँ. अगर ये नहीं होता तो हम वेबिनार पे नहीं रहते थे. सो वी आर हियर ओनली बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस. नाउ लेट अस ट्राई टू इम्प्रूव इट. हाँ सर, और कुछ क्वेश्चन है? कमलाकर जी, आप जो बोल रहे 166A का ना, नाउ डू गो टू एवरी ऑफिस, उन लोग ने अपना खुद का बैनर डाला है फॉर 353 ऑफेंसेस. लाइक दैट दे शुड आल्सो पुट अप व्हाट आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट देम. यस, व्हाई नॉट? यस, इफ यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट माय राइट फर्स्ट. परफेक्टली. ओनली व्हेन आई एम हैरेस्ड आई विल कम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू. नो अदर व्हाट व्हाई विल आई कम टू योर ऑफिस? करेक्ट फ्रेंड्स, it was a really very participative discussion, and I'm really feeling quite satisfied today. Amongst our 45 seminars or webinars till date, right from July 18, I myself have found this particular webinar to be very satisfactory in various respects as far as the public rights are concerned. Friends, there are the questions, but we are at the end of the time. It is bound about 11:30, and Kamalakarji has to rush somewhere for door-to-door campaign of certain important aspects in the forthcoming. I'm creating an awareness. An awareness in view of जो भी आपसे वोट मांगने आएंगे, उसे लिखित ले लो कि वो क्या देने वाले हैं, नहीं तो वोट मत देना. और अगर किसी ने भी लिख नहीं दिया तो नोटा को दे दो. Let us create that. Yeah, and लिख के लेंगे, and you shall be responsible for that. And therefore, I now request. Sutar sir, I am Ramesh Prabhu here. Yeah, before yes, that, Kamalakarji and Rao, I have one question, both of you. There are various agencies. You said there are 8 atrocity cases against you. Naturally, there are misusing the provisions of the Act. Similarly, there may be some of the government officers, some of the public servants, and also some of the public at large, especially, you know, when there is a special provision given to women or special provision given to this SCST, they may misuse the provisions of the Act. And of course, the officer concerned are forced to file an FIR or take an action. So in such situation, what is the remedy available to the people whom they are making victim? Like you, against you, 8 atrocity cases have been filed. So what is the action that you have initiated? And how you are protecting yourself? At the moment, I was arrested on behind the bars also. But I have to face it now. We have a platform. We'll come together and we will also try to find out ways now. Because I, as an individual, facing all these things, I have almost 15 to 20 PILs, around 7 SLPs, around 20 revision applications, and I do not know how much prosecution. I have no track of that now, unless and until I see my file. So now, if at all I get support, and if at all we can work together, we can take up all these issues so that
and our next generation shall not be targeted such full, sir, by such acts wrongfully. Prabhu sir, when you get these notices also, you need to address them. Like I got a section 41A notice one fine morning, and it's all false allegation. So I told the officer it's a false allegation. These are the provisions. This is the law. So after that, the police have not come to me. They have not even thought of the FIR exists. But somebody told me, why don't you go for discharge? I said, sir, if I go for discharge, it means that, you know, discharge is not a clean certificate. I'll have to go under 482 to get it quashed. That is exactly, Ramesh Prabhuji, where the public servants play on. Ki kyo kaun paisa kharch karega? 482 karo, high court jao, lawyer. See, today, because I and Kamlakar ji, I have permission to appear in the Honorable High Court. As party in person, I've got permission for 9 criminal cases. Sir, I have been put behind lockup for exposing the Air India corruption. 80,000 crore ka corruption hai, sir. Mere ko 11 din lockup mein rakha gaya tha. Ultimately, we moved the Supreme Court and made that section redundant. I was arrested under section 66A. Raat ko 1:30 in the night, 15 Sten gun toting policemen were standing outside my door, sir. And from my house to the police station, the only thing the inspector said is, कल ये पॉलिटिशियन आएंगे आप उनके पैर पढ़ लो और ये एफआईआर रफा दफा होगा ऐसा मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं पैर नहीं पढ़ूंगा किसी का इट टुक वन ऑनेस्ट जज इन द सेशंस कोर्ट टू आस्क द प्रोसिक्यूशन कि मर्डरर्स कम आउट इन 72 आवर्स एंड यू आर टेलिंग मी किसने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला तो आप 11 दिन उसको जेल में रखे हो सो यू हैव ऑनेस्ट ऑफिसर्स यू हैव डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स बट अनफॉर्चुनेटली द ऑनेस्ट ऑफिसर्स आर इन द माइनॉरिटी And some are scared because the dishonest people wield tremendous power. So you have to strike at the root of that. So yeah, I'm an accidental lawyer, sir. Agar wo 11 din mein lockup mein nahi rehta, meri zindagi, main carefree aadmi tha, sir. Imagine my wife and luckily mere ko support bhi tha. Jis din mere ko arrest kiya gaya, next day morning outside the police station, 600 people khade hua hai ki isko aapne kaise arrest kiya. The DCP got scared. So when we get together, jab unify honge na sir, log darenge. Kamlakar ji ke saath kitne jan aate hain? We have to come together. You can ask Kamlakar ji, he calls me up and within 10 minutes, I give him the judgment. 5 minutes bhi nahi lagta mere ko. Main orally bol deta hun, bolta, give me 10 minutes, I'll give you the judgment also. I mean, I'm proud to say that there was a judge who said, "Itna research ko maine bhi nahi kiya mere life mein." When I argued one matter, he said, "You got 23 Supreme Court judgments on the subject." I said, "Yes." So I am sir, proud. I'm proud to be associated with Kamlakar ji. I'm proud to be associated with every fighter. सर एक लास्ट में बोलना चाहता हूँ लास्ट एक मैं हाईकोर्ट की जजमेंट कोट करना चाहता हूँ हाईकोर्ट जजमेंट सुमोटो 1 of 2020 जो अभी 26 फरवरी को ऑर्डर आया है इट इज अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन वेयर द कोर्ट हैज क्लियरली सेड दैट द म्युनिसिपल ऑफिसर्स या कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स शैल नॉट बी ओनली टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन बट दे शैल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आईपीसी A very beautiful judgment which I want to propagate and इसके वजह से हम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे पूरी तरह से उनको ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं तो ये जजमेंट को मैं इसलिए बोलता हूँ PIL 1 of 2020 ऑर्डर पास्ड ऑन 26th of February ब्यूटिफुल जजमेंट इफ इट ऑल टू बी ऑन द स्पॉट रीड पेज 111 to 115 विच इज द ऑर्डर द ऑपरेटिव पार्ट It is the best and we need to use it and we shall by next year make Mumbai the best if all of you come together. Okay, friends. Now I request Rotten Sefari to propose a well-deserved vote of thanks. Sefali. Thank you, Hiralalji. This has been by far the most enlightening seminar I have ever attended. Kamlakar ji, a million thanks to you for bringing forth so many issues that are there in our minds, but we have never been able to come across and find the answers. You've made it all ready. So hats off to your efforts. Hats off. Completely hats off.
you are actually the true citizen of the country, actually the true citizen. I am so, so, so obliged and so encouraged and motivated to sort out small, small problems at my level that I can, because each one of us has faced corruption from the smallest to the biggest level, every citizen of India, every honest taxpaying citizen of India. And we look forward to all the documents that you would share with us, all your knowledge that you would share with us. And also my request, because we have so many more questions, that we might invite you for another seminar also, or maybe more. I think it's really needed for us. I mean, I've had my daughter also sit right now and listen to this entire entire video. And, you know, it's the younger generation who's so much more frustrated than we are. And we really bank on them to take it forward, because we do have the power. So thank you for introducing the powers to us. Thank you, thank you, thank you very, very much. Thank you. I thank you all for giving me an opportunity to express myself and to share my information knowledge for the betterment of Mumbai. I'm really obliged. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, all the participants. Now we come to end of today's webinar. Thanks a lot.